ये बेड है। अच्छा वाकई ये बेड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह सब मुझे छोड़ कर चले गए, मतलब जल्दी चले गए, और मैं हमेशा की तरह लेट। अभी मैं और आमिर जा रहे हैं और आमिर शदीद गुस्सा हो रहा है, तो बाकी व्लॉग आगे चलकर बनाते हैं और बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। पूरे पंजाब में और मुल्तान में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, गली को देखे नहर बनी हुई है। चले आमिर साहब, चलें चले चले। बिस्मिल्लाह। सर्दी है बहुत, बहुत ही मज़ा आ रहा। बड़ी मम्मा और अपनी आपी के साथ चली गई थी, आमिर और मैं जा रहे हैं लेट लेट। आ गए जी हम आमिर की सिस्टर के घर। बेल देनी पड़ेगी। उधर भी आप सलामियां देती हो, यहाँ भी गेट पे आपने सलामियां दी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जहाँ भी चली जाती हूँ वहीं चले आते हो, मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे नजर आती हैं। तो आप लेके आइए कैमरा, हम तो पहले। हाँ फातिमा जहरा कहाँ आई हो। फातिमा जहरा कैंडीज को आते साथ देख रही है। प्यारी प्यारी कैंडीज हैं, बट ये किसकी है, ये फातिमा जहरा की है। दुआ कैसी हो, सलाम कर दिया करो। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब किससे गप्पे लगा रहे हैं, आपने सलाम करना। तशद्दुद तशद्दुद। हमेशा हम लोग लेट पहुंचने वाले, आज सबसे पहले पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ। और उस सबसे पहले पहुंचने की वजह ये है कि शगुफ्ता आपा ने हमें गलत टाइम दिया था कि यहाँ पर पहुंचना है 6 बजे, और हम पहुंचे 6:30 बजे, जबकि यहाँ पर टाइम कुछ और था, यानी कि 8, 8:30, 9 बजे। ज़रा भी शगुफ्ता आपा से मैं पूछती हूँ, उनको 6 बजे का टाइम किसने दिया था। कोई नहीं है तो फिर आज आपको घर दिखा दूँ। एंट्रेंस, किचन, बच्चों का रूम। शगुफ्ता आपा ये बेडरूम दिखाएं, आप बताएं ये है, ये है, ये है, ये बेड है। अच्छा नहीं, आपको तो देखा हुआ है, यहाँ बताएं। पहले इस साइड से आप आते हैं, इधर हैं कबर्ड्स। अच्छा ये हैं कबर्ड्स, शगुफ्ता आपा बता रही हैं आपको। अच्छा जी, इसमें कपड़े रखे जाते हैं, वो सबको पता, अगली बात बताए। ये है बेड। ये बेड है, अच्छा वाकई ये बेड है। ये मास्टर बेड है, और ये ड्रेसिंग और ये मैं। आपको किसी ने निकाल दिया, हटे। इसको क्या कहते हैं, डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, लाउंज, दुआ आपा, नहीं सॉरी दुआ और आमिर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आज तो आपने शॉप बंद कर ली है, बड़ा कमाल कर दिया आपने। लाउंज पूरा घुमा के दिखा दो, इधर टीवी भी है, ये मेरे ख्याल में बाहर की तरफ डोर है, यहाँ पर विंडो है, और ये अटैच वॉशरूम, ये बच्चों का रूम। फातिमा आप क्या कर रही हो, दिखाओ। हाँ फातिमा जरा आज भाई गिटार बजा के दिखाएगी, बजाओ 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 बजाओ, डांस भी तो करके दिखाओ, डांस तो करके दिखाओ। दिस इज गिटार, दिस इज गिटार, दिस इज खराब गिटार। प्यारा सा बेड, ऊपर ये अजीब सी औरत। फातिमा जहरा कहाँ चलती हो, कहाँ भागी पी ली हो जी मम्मी। और ये शगुफ्ता आपा की बेटी, पता नहीं आज मेरी जबान को क्या हो गया, अजीब ब्लॉगिंग कर रही है। ये है दुआ जहरा, फातिमा आप तो वॉशरूम पे नहीं बैठ सकती, आप तो पॉट पे बैठती हो, कैसे बिठाऊं, व्हाट इज दिस की बच्ची, कैसे बिठाऊं। पहले मायने कर लो, साइंसदान बन जाओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, आ जाओ। दिस इज बिग पॉट, पॉट पड़ा हुआ है, पॉट कहता है जो करना है करो जल्दी से और फिर निकलो यहाँ से। करना है आपने यहाँ पे, यहाँ पे बिठा दूँ, ओके।
बताया तो है नहीं मैंने आप लोगों को हम यहाँ क्यों आए हुए। आज यहाँ पर है ईद की दावत, जैसे सब बहन भाई आपस में एक दूसरे की ईद की दावतें करते हैं, तो आज है आमिर की। वैसे तो सारी सिस्टर्स आमिर से छोटी हैं और ये है आमिर की सबसे छोटी सिस्टर्स, उनके घर। रात जब हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा सूट पहनेंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा सूट पहनूंगी। फिर शगुफ्ता आपा ने कहा कि ये वाला सूट पहनो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप बताएं कि अच्छा लग रहा है या नहीं। मैं जहाँ जाती हूँ आप मेरे पीछे क्यों आ जाती हैं? तुम आ रही हो फोन ले लेके पीछे, मैं कैमरा ले लेके। आप पहले उस रूम में बैठी थी ना, मैं इसको बीच में लाऊं। आप मैं उस रूम में, आप उस रूम में थी ना, मैं वो रूम छोड़ के आपकी वजह से इस रूम में आ गया, अब यहाँ क्यों आई है? अब उधर चेंज कर। मैं जरा शगुफ्ता पापा की क्लास ले लूं। मुझे एक बात बताएं, आपको किसने टाइम दिया था 6 बजे का? मुझे? हाँ जी, आमिर को किसने दिया था 6 बजे का टाइम? बताओ। टाइम था 8 बजे का और मैडम 4 बजे से मुझे जीने नहीं दे रही थी कि निकलो निकलो तैयारी करो, तुम लेजी हो, तुम ये हो, तुम वो। अब देखो यहाँ हम सारे हम अकेले बैठे हुए यहाँ। हाँ, तो क्या हो गया अगर आ गए तो अच्छी बात है, चलो। हाँ वो तो है, मजा आ रहा है। काफी दिनों से हम लोग घर थे। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन ये है कि चलो आके ना, ये मेरा फायदा हुआ है कि व्लॉग बन गया, पूरे घर का व्लॉग जो तुमने शुरू का घर का नहीं बना सकते। हमेशा मैं जब यहाँ पर आई हूँ मैं पूरे घर का व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन आज ये है कि वो लोग होते ना तो उनकी वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकती। फिर अगर कोई आ जाए तो फिर उसको ब्लर करना पड़ता है, एडिटिंग जरा मुश्किल हो जाती है। आज ये है कि घर में कोई नहीं है तो मैंने पूरे घर का व्लॉग माशाल्लाह बना लिया, बस अब थोड़ा सा व्लॉग रह गया, तकरीबन मैंने व्लॉग बना लिया। अच्छा शगुफ्ता आप ये बताया मेरा सूट कैसा लगा? कौन सा सूट जो पहना हुआ मैंने? मेरा अच्छा लग रहा है। मेरा 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 कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ सूट अच्छा लग रहा है, आप अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि सूट इसलिए अच्छा लग रहा है, सूट आपको मैंने गिफ्ट किया था ना। ओहो आई सी, मेरा सूट तुमने पहना, मैं तुम्हारा सूट। चले ऐसे ऐसे भी ठीक है, सूट ठीक है। 2 दिन की शदीद और मुसलसल बारिशों के बाद आज मुल्तान में ऐसा मौसम है कि पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो फील होता है कि पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लगना शुरू हो जाती है। मैंने भी फिर पंखा सिर्फ घुमा रखा है, चला नहीं रखा। अभी कोई और आया हमारे अलावा? बिरयानी का देख जाया है। भूख की औरत। हाँ तो बता रही तुमने मुझे पूछा बैल हुई है बंदे। मैंने बंदों में से पूछा कि कोई बंदा और आया, आपने कहा बिरयानी का देखा है, बंदा लेके आया। आमिर साहब आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट होगा? मैंने आज का व्लॉग अपलोड करना है। आई एम इंटरनेट प्रोवाइडर। हाँ जी, सब कुछ प्रोवाइडर दे दें। देखता हूँ शायद हो। हाँ दे 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 दे, नहीं है तो पैकेज कर लें। मैं कहाँ से पैकेज कर लूँ? सिरप ले लें मैडम, खाऊँ खाऊँ सिरप ले लें। आप सिरप नहीं लेके देते? आपने कहा नहीं होगा ना आमिर को, आमिर और आपकी फरमाइशें पूरी ना करिए, कैसे हो सकता है? हाँ आमिर सिरप लेके दें, गिले कर रही है आपके। देखें आमिर बाहुबली देख रहे हैं। आमिर वैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? वही तो मैं देख रहा हूँ क्यों मारा था। आपको पता चल जाए तो मुझे ज़रूर बताना आपने। ओके। आमिर का मोबाइल लेकर वीडियो अपलोड करने आई थी, लेकिन वीडियो यहाँ पर भी अपलोड नहीं हो रही थी, तो आज व्लॉग नहीं ये वाला अपलोड करती, कल कर लूँगी। और ये जो बना रही हूँ ये फिर परसों कर लूँगी। आमिर साहब कुछ पता चला कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को? काम चल रहा है तो हमारा व्लॉग अपलोड हो गया। नहीं व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, सिग्नल नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा यहाँ सिग्नल ठीक नहीं आते ना। पास्ता 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 एवरीवेयर। फातिमा को पास्ता निकाल देंगे थोड़ा सा। फातिमा का पास्ता, मेरी प्लेट बिरयानी पास्ता कढ़ाई। जब भी इस घर में आई हूँ मैंने आपको ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखाया, आज आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखा। बहुत अच्छा लगेगा। टेरेस, नीचे से घर, छत पे कोई शैतान है इस टाइम आवाज़ें दे रहे हैं। औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम। इधर भी किचन और हानिया यहाँ पर खाना बना रही है। खाना देखो मज़े मज़े का, कॉर्न बनाए हुए हैं,
रेड चिली बना रही है, स्ट्रॉबेरी बना रही है। ये लिविंग रूम है या लिविंग एरिया है, और ये है एक रूम, और यहाँ पर बैठे हुए हैं मिस्टर ईसाई। मिस्टर ईसा भी आपसे बातचीत होती है, पहले ये रूम दिखा दो। वॉशरूम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप छुप क्यों रहे हो? कैसे हैं? ठीक हैं? कहाँ गए हुए थे? टिकटॉक में मसरूफ हो हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े टिकटॉकर ये देख ले, ये है। ज़ियान और ईसा की लड़ाई हो रही है, ऐसे फनी फातिमा बीच में रेफरी बनी हुई। फातिमा परेशान हो रही है, परेशान हो रही है। स्टॉप, ओए बस बस बस, फातिमा बेचारी कह रही स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आपकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। स्टॉप स्टॉप भाई, स्टॉप हटो भाई, स्टॉप स्टॉप भाई, स्टॉप, फातिमा बोलो स्टॉप। ये लिविंग रूम है, ये रूम मैंने आपको दिखा दिया गर्ल्स का है, और ये रूम बॉयज़ का है। यहाँ अंदर बॉयज़ है इसलिए नहीं दिखा रही। फातिमा स्टॉप स्टॉप किए जा रहे, वो रुक ही नहीं रहे। और इस तरफ है एक, ये भी रूम है, इस तरफ थोड़ा सा सहम, यहाँ फिर सीढ़ियाँ, फिर ऊपर छत। फातिमा गाड़ी में बैठ के सबको बाय बाय कर रही है, और कहती है ओ बाय बाय, ओ बाय बाय। आमिर हमसे पहले पहुंचे हुए हैं, फातिमा को ले लो। फातिमा अभी आपने बहुत सारा माशाल्लाह खेल के आई हो। फातिमा ये आपने फूफो से पूछा था उठा के ले आई हो, आयजा आप ही कहो, पूछ के उठाते ऐसे नहीं उठाते। चलें घर चलें। पूछा था? नहीं पूछा था, ऐसे उठा के ले आई। आप मेरा शोहर लेके भाग के आ गई। हाँ तो तुम जहेज में आई थी क्या? नहीं जहेज तो मैं लाई नहीं थी, जहेज में क्या लाना। अब जाते हुए तुम चली गई, आते हुए मैं आ गई, सिंपल। बदला उतारा है आपने? नहीं बदला तो नहीं उतारा, आते हुए बस वैसे नहीं। वैसे मैं ना आज चाह रही थी कि मैं आपको अपने व्लॉग में कम से कम लाऊं, क्योंकि आप ना इस सूट की वजह से शदीद हसीन लग रही हैं। लेकिन मैं वैसे ही हसीन हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वैसे ये सूट हसीन लगा रहा है, ये सूट आपको हसीन दिखा रहा है, इतनी हसीन है नहीं यहाँ। हाँ जी, इससे भी ज़्यादा हसीन। खुशफहमी है वैसे। घर हम पहुंच चुके हैं, चैनल का थोड़ा सा काम रहता था वो किया है, आज के व्लॉग को करती हूँ मैम एंड। शगुफ्ता आपा से मांग के पहने थे ये बुंदे, अब हो रहा है कानों में दर्द, इनको भी उतारूँ। आज का व्लॉग यहीं तक, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आमिर शॉप पर चले गए हैं, वो अपनी भाई रात को अपने टाइम पे आएंगे। मुझे आ रही नींद, फातिमा ज़रा सो गई है, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखें, कीप वॉचिंग कीप स्पॉटिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, घर में ही बनाया था। अल्लाह ताला जजाए खैर दे, और घर में माल में जान में हर चीज़ में बरकत दे। इत्तफाक़ ख़ानदानी लोगों को नसीब होता है, अल्लाह ताला इत्तफाक़ कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़।